महाराजा रणजीत सिंह दा अज जन्म दिहाड़ा है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब दी सिख सल्तनत दी नींह रखण वाला एक सिख महाराजा सी जो शेरे पंजाब दे नां नाल जाने जांदे ने। महाराजा रणजीत सिंह नूं पंजाब दे इतिहास विच बहादुर जंगजू दलेर महाराजे ते महान शख्सियतां वजो जाणिया जांदा है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज विच सिखां हिंदुआं ते मुसलमानां नूं इक डोर विच परोई रखिया जिस करके खालसा राज दी हर थां तारीफ कीती जांदी है। उन्होंने अपने राज नूं इक धार्मिक राज दे रूप विच स्थापित करन दी वजह सरबत दे भले दे आदर्श अधीन पंजाबियां दे लई इक नवेकला राज कायम कीता। उन्होंने राज विच मुसलमान ते हिंदू कई वड्डे अहुदियां ते सन ते अवाम विच सब नूं बराबर दे हक हासिल सन। अज उन्हां दे जन्म दिहाड़े मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली स्थित बारा खुंबा रोड ते स्थित उन्हां दी मूर्ति नूं वख-वख तरह दे फुल्लां नाल शिंगारिया। इस मौके कमेटी दे प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर दिल्ली सरकार उत्ते सिखां दी अणदेखी दा इल्जाम लाया। महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब उन्हां दा अज जन्मदिन दा इह दिहाड़ा जिन्हां ने पूरे दुनिया के अंदर एक नवी मिसाल कायम की। एक सिख शासक होवे और उहदा राज कंप्लीटली सैकुलर होवे। इस तो पहला जिन्हें भी हुक्मरान होए ने उन्होंने अपने धर्म की गल की और धर्म के नाम से अत्याचार भी किया, पर महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस देश नूं अगर सही सैकुलर ढांचा दिता वह महाराजा रणजीत सिंह जी ने दिता। बहुत सारे लोग ये भी शायद नहीं जानते होंगे कि महाराजा रणजीत सिंह जी के समय के उत्ते सब तो ज़्यादा लिटरेसी सी इस देश के अंदर। हर देश के पटवारी नूं पिंड दे नूं ए कहा गया सी कि हर जाके पिंड दे अंदर वो कैदा बना के ते लोगों नूं पढ़ाई लिखाई करावे और गिनती करनी सिखावे। महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब जी ने अफगानिस्तान का वह इलाका तिब्बत के वह इलाकों के उत्ते खालसा राज का परचम लहराया जिन्हां दे उत्ते रशिया वर्गे कंट्री अमेरिका वर्गे कंट्री भी अज तक ना कर सके। अज जिते असीं महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब नूं याद करते हैं, नाल असीं देश की सरकार नूं यह भी कहना चाहते हैं कि जिते जिते महाराजा रणजीत सिंह जी के नामों के उत्ते शहरों के नाम या कलोनियों के नाम रखे गए अज उन्होंने कट के छोटे नाम किए जा रहे हैं। जो रणजीत नगर आ वो महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम से आ। असी बार बार अरविंद केजरीवाल जी ने दरखास्त की आ उसका नाम पूरा किया जाए, महाराजा रणजीत सिंह नगर रख्या जाए ना कि रणजीत नगर होवे। सो जिते मैं अज अपनी कौम नूं इस गल की बधाई दिना है कि साडा इस सिर उच्चा करने वाले महाराजा रणजीत सिंह जो असं जन्मदिन मना रहे हैं अज देश और दुनिया में असं यह भी एहसास करा रहे हैं कि एक महाराजा रणजीत सिंह सी जिन्होंने सैकुलर राज किया और जिन्होंने शमशीर के दम से राज लैके भी उसनों सैकुलर पहनावा बना के ही रखे। इस मौके कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा के नाल होरना आगुओं के नाल नाल बिक्रमजीत सिंह सहानी ते त्रिलोचन सिंह भी मौजूद सन। इस मौके उन्होंने की कहा वो तुसी आप ही सुन लवो। रणजीत सिंह का 240वां जन्मदिन दिहाड़ा है तो महाराजा रणजीत सिंह ट्रस्ट वालों जिद बैंस साहब सरदार त्रिलोचन सिंह जी तो होर बड़े नामवर पंजाबी शख्सियत ये सानू माण मौका मिलिया कि कनॉट प्लेस की इस बहुत मशहूर जगह पर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का बस्ट लगवाया गया। फिर पार्लीमेंट हाउस के भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री सन वो एक 25 फुट उच्चा घोड़े के उत्ते एक्वस्टेरियन स्टैचू भी असी पार्लीमेंट हाउस च लवाया तो मैनू दस दे बड़ी खुशी हो रही है कि राउज एवीन्यू तो इतों अद्धा किलोमीटर दूर ही एक बहुत बड़ा शानदार पहला पंजाबी शेरे पंजाब पंजाबी कल्चरल हैरीटेज सेंटर बन रहा जिदी बिल्डिंग तैयार हो चुकी है तो हो सकता जल्दी वाहगुरु करे विसाखी तक उहदा इनागुरेशन होए ताकि पंजाबियों का एक कल्चरल सेंटर बने। और जिस तरह हुणे दस्या जा रहा सी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक सैकुलर राज कीता जिहड़ा मुल्तान तो पेशावर तो लैके कश्मीर तक कोहेनूर हीरा उन्होंने फतेह किया। दरबार साहब हजूर साहब पटना साहब इन्ने धार्मिक स्थानों पर सोना लवाया और बहुत ही एक सैकुलर हिंदू पंजाबी मुसलमाना का राज और इन्नी दूर देश तक कि फ्रांस का जनरल जनरल वेंचुरा लैके आए फकीर अजीजुद्दीन जिहड़े उन्होंने एडवाइजर से बहुत ही सैकुलर राज उन्होंने कायम किया। इन्ना विशाल पंजाबी राज कश्मीर तो मुल्तान पेशावर तक और काबुल के उत्ते भी शेख बासवा ने केसरी झंडा लहरा दिता तो ये भारत में मैं समझदा कि जिहड़ा साडा नॉर्थ वैसट फ्रंटियर है वह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की देन है। तो असी जैसा सरसा जी ने कहा
सरकार अगे मंग करते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के नाँ पर जड़ा कोई यूनिवर्सिटी या कोई इस तरह का सेंटर बनाया जाए ताकि उन्होंने जो सैकुलरिज्म और जो एग्जाम्पली राज उन्होंने किया वो साड़ी नौजवान पीढ़ी कायम हो सके। और मैं समझना कि जोड़ा हैरीटेज सेंटर दिल्ली के राउज एवीन्यू तो कनॉट प्लेस के लागे ही बन रहा वो भी पंजाबियों का एक मरकज केंद्र बनने सहाई होएगा। सर जी ने सानी जी ने कहा है आज जो लद्दाख है जिसके नाम पर सारा हिंदुस्तान आज इतना कुछ कर रहा है ये इंडिया का हिस्सा नहीं था, ये महाराजा रणजीत सिंह ने तिब्बत से ला के इंडिया को दिया। कश्मीर जो आज हमारा सबसे बड़ा अंग है ये अफगानिस्तान का हिस्सा था, इसको भी महाराजा रणजीत सिंह ने जीत के इंडिया को दिया। तो मेरी तो ये है कि जो ये साइचन वैली है जहाँ आज झगड़ा सारा इंडिया पर वो भी देश को लेने वाला महाराजा रणजीत सिंह। और मुझे याद है कि 2007 में जब उनका जन्मदिन मना रहे थे तो वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर ने एक सोने की कुर्सी जैसी लंदन में पड़ी है वो यहाँ बनवा के अमृतसर म्यूजियम को भेंट की थी। तो यहाँ आज हमारी यही बेनती है कि जो पार्लियामेंट में महाराजा रणजीत सिंह का बुत लगा जो सानी साहब ने भी बताया हर साल सरसा जी वहाँ फंक्शन होना चाहिए और सारी वहाँ लीडर आएँ और वो याद करें कि हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान को देने वाला बादशाह उसकी ये जो आज प्रतिमा है वहाँ हम करें। और आज जो सेकुलरिज्म का नाम हम लेते हैं वो सब महाराजा रणजीत सिंह के राज को हमें कॉपी करना चाहिए। आज हम सारे देशवासियों को मुबारक देते हैं कि आज उस बादशाह का जन्मदिन है, वो देश का आखिरी बादशाह था। ये याद रखना हिंदुस्तान गुलाम हुआ 200 साल लेकिन महाराजा रणजीत सिंह का राज 100 साल चलता रहा और सबसे लास्ट हिंदुस्तान का बादशाह महाराजा रणजीत सिंह। जिक्रयोग है कि 1848 उन्होंने मौत तो बाद उन्होंने वड्डे पुत्र खड़क सिंह तख्त पर बैठा पर सिंह की मौत तो बाद राज खिंडना शुरू हो गया। उस तो बाद वर्तानिया ने उन्होंने सब तो छोटे पुत्र दलीप सिंह नूं सिर्फ नाम का ही राजा बना दिता ते अखीर 1849 विच पंजाब ते कब्जा कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट चैनल पंजाबी। रमन कैंसर सोसायटी हुण आ रहे ने तुहाडे अपने चैनल पंजाबी ते। ओ केड़ी बीमारी जिदा इलाज नहीं 25 सालां तों कैंसर दे 90% मरीजां नूं कीता तंदुरुस्त। राजपाल वल्लों सन्मानित डॉक्टर हरपिंदर सिद्धू कोल है हर बीमारी दा हल। बीमारी तों बचण दा इक्को इक नाम रमन कैंसर सोसाइटी। साडा हर एक प्रोग्राम वेखण ते साडे नाल जुड़न लई सबस्क्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।